अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर बहुत ही मज़ेदार कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, मटन कलेजी मसाला। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वैसे तो हर घर में कलेजी बनती है, आज मैं आपको अपने तरीक़े से कलेजी बनाना सिखाऊंगी। तो आइए हम कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं किस तरह कलेजी बनाती हूँ। मैंने 1 किलो मटन की कलेजी ले ली है और अब हम इसको अच्छी तरह से किस तरह वॉश करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी कि मैं कलेजी किस तरह वॉश करती हूँ। कुछ लोग इसके लिए विनीगर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेमन का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये एक पूरी पोथी लहसुन की लूँगी और इसके मोटे मोटे ऊपर के जो छिलके हैं वो उतार दूँगी और इसके जो जवे हैं वो छिलकों समेत इनको मोटा मोटा किसी हावन दस्ते में कूट लूँगी। आप चाहें तो सिलबट्टे पर या किसी भी तरह इसको छिलकों समेत जो है मोटा मोटा पीस लें। कुछ लोग विनीगर का इस्तेमाल करते हैं और लेमन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कलेजी बिल्कुल वाइट हो जाती है, जिससे मुझे लगता है कि मुझे पकाने में मज़ा नहीं आता। बिल्कुल वाइट कलेजी को पकाने में मज़ा नहीं आता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें पूरी अफादियत होती है कलेजी की। तो इस तरह से मैं लहसुन से इसको वॉश करती हूँ। ये देखिए मैंने मोटा मोटा लहसुन को कूट लिया है और अच्छी तरह से मैं इसको कलेजी पर लगा दूँगी जिससे कलेजी जो है वो अच्छी तरह से वॉश भी हो जाएगी और इसकी स्मेल भी निकल जाएगी और कलर बिल्कुल इसका वाइट नहीं होगा क्योंकि देखने में बहुत अजीब सा लगता है, तो कलेजी बनाने में मज़ा भी नहीं आता। तो कलेजी हमने इस तरह से इस पर लहसुन अच्छी तरह से लगा दिया है और इसको मैं ढक के रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद मैंने देखें कलेजी को 3 से 4 पानी में मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था और इसको बिल्कुल खुले पानी में वॉश किया था। आप ये देख सकते हैं कि कलेजी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई है लेकिन इसका कलर बिल्कुल वाइट नहीं हुआ। तो कलेजी में तो पकाने में इसी कलर में मज़ा आता है, अगर हम इसको बिल्कुल वाइट कर लेंगे तो उसको पकाने में मज़ा भी नहीं आएगा, ना इसकी अफादियत इसकी बरकरार रहेगी। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 200 ग्राम दही जो है अच्छी तरह फेंट लिया था। एक प्याला दही है मेरे पास, 200 ग्राम दही मैंने फेंट के इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। हम कलेजी को मैरिनेट कर रहे हैं। इसमें मैं बहुत सिंपल से मसाले डालूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। मैंने बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें डाले हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला। नमक हम इसमें आखिर में डालेंगे, अभी हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे। दही के साथ हमने ये सिंपल से मसाले मैरिनेट करके कलेजी हमने रख दी है तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब हम इसको कुक करेंगे। इसके लिए मैंने कुकिंग पॉट ले लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1 कप ऑयल डालूंगी। कुकिंग पॉट में हम 1 कप ऑयल डालेंगे और इसके बाद मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले शामिल करूंगी जिसमें 2 हमारे पास तेज़पात के पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 5 से 6 छोटी इलायची हैं, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है साबुत और 5 लौंगे ली हैं। इसके अलावा 1 दालचीनी की स्टिक ली है। इन तमाम खुश्क मसालों को ड्राई मसालों को मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। इससे कलेजी में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और जो है कलेजी बहुत अच्छी सी तैयार होती है। इसके अलावा 2 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने जो है वो फाइनली चॉप कर ली थी। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। कुछ लोग इसको पीस के इस्तेमाल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्याज को पीस के डालेंगे तो हमें इसको पकाने में बहुत देर लग जाती है, प्याज को फ्राई करने में भूनने में काफ़ी देर लग जाती है। इस तरह बारीक की हुई चॉप की हुई प्याज जो है वो जल्दी से फ्राई भी हो जाती है। इसमें बिल्कुल हल्का सा कलर हमें देना है और इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें लाइट सा कलर आ जाएगा। तो जब हम प्याज में हल्का सा हमारा कलर आ जाएगा तो हम इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये प्याज हमारी जल्दी ही फ्राई हो जाती है। तो इसके बाद मैं 3 बड़े चमचे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। 3 बड़े चमचे मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी प्याज में और लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। इन दोनों को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे, प्याज को लहसुन अदरक को। हमें मसाले को ये अच्छी तरह से भूनना है तो हम प्याज को भी फ्राई कर रहे हैं, उसके साथ लहसुन अदरक को भी फ्राई कर रहे हैं अच्छी तरह से। प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद मैंने 3 अदर टमाटर ब्लेंड कर लिए थे जो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हमारे यहाँ जो कुर्बानी में कलेजी बनती है उसमें टमाटर शामिल नहीं किए जाते, बगैर टमाटर के कलेजी बनती है। कलेजी तो हमारे यहाँ बहुत ही मज़ेदार बनती है लेकिन वो जो है वो कलेजी बहुत डार्क कलर की हो जाती है, तो मेरे बच्चे जो है वो कलेजी नहीं खाते, कहते हैं ये बहुत डार्क कलर की कलेजी है। इसकी वजह से मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ ताकि कलेजी का कलर बहुत खूबसूरत सा आए। तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मैं टमाटर डाल के कलेजी बना रही हूँ। टमाटर को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें जो हमने मैरिनेट की हुई कलेजी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। कलेजी को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकाएंगे इसको, लेकिन हमें इसमें अभी भूनना नहीं है इसको, हमें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसको पकाना है कलेजी को मसाले में, लेकिन अभी हम भूनेंगे नहीं क्योंकि अभी ये कलेजी जो है दही का पानी भी इसका दही अपना पानी छोड़ेगी और इसमें थोड़ा सा देखें पानी हो गया है, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और ऊपर से जिस बॉल में मैंने कलेजी डाली थी उस बॉल में भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। अब कलेजी में थोड़ा सा पानी है, अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। मैं इसको 20 मिनट तक
बिल्कुल स्लो आंच पर अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक कलेजी गल नहीं जाती। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं, 20 मिनट्स के बाद देखें मैंने ये देखा तो कलेजी जो है वो दही के पानी में और मसालों में अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसमें जो है वो नमक शामिल करेंगे, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आप कलेजी बना रही हैं उससे नमक शामिल करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है और 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल किया है। गरम मसाला मैं आखिर में डाल रही हूँ पिसा हुआ, ताकि इसकी खुशबू रहे इसमें बरकरार। और मैं अब इसको अच्छी तरह से मैं इसको भूनूंगी, नमक डाल के और गरम मसाला डाल के अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर मैं इसको भूनूंगी ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम एक कलेजी को अच्छी तरह से भूनना है और जितना हम अच्छी तरह से भूनेंगे इतनी ही कलेजी मज़ेदार बनेगी। तो हम इसको अच्छी तरह से भून रहे हैं मीडियम आँच पर, जब तक ये अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। और इसका ये देखें मसाला बिल्कुल दानेदार सा मज़ेदार सा मसाला इसका अलग अलग हो गया है और इसका ऑयल भी ऊपर आ रहा है। कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से हम इसको भून रहे हैं कलेजी को, तो हमें कलेजी को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है इस स्टेज पर। तो जब हम देखेंगे कि हमारी कलेजी बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है, बहुत हमने 5 से 10 मिनट हम इसको भूनेंगे, जितनी देर हमें इसको भूनना है जब तक इसकी अच्छी तरह से मसाला नहीं हो जाता, तो अब हम इसमें इतना पानी शामिल कर लेंगे जितना हमें इसका मसाला रखना है। तो मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डाल रही हूँ, जितना मुझे इसमें बिल्कुल थिक मसाला रखना है कलेजी का, क्योंकि कलेजी जो होती है वो काफ़ी थिक मसाले की होती है, उसका शोरबा बहुत पतला नहीं होता। तो मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें जो है वो ऊपर से सूखी हुई मेथी है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 चमचे मैंने मेथी ली है, लेकिन मेथी को मैंने पानी में भिगो दिया है क्योंकि सूखी मेथी जो होती है कसूरी मेथी उसमें मतलब रेत होती है थोड़ी सी, तो मैंने इसको भिगो के स्ट्रेन कर लिया है और सारी पानी से इसको अच्छी तरह धो के और मेथी मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो मैंने इसमें सूखी हुई मेथी भी डाल दी, कसूरी मेथी जिसे बोलते हैं, 2 चमचा मैंने इसमें वो शामिल कर दी है। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल करूंगी, कि आप देख सकते हैं 4 से 5 चमचे मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं जो मैंने काटी थी वो इसमें शामिल कर देंगे, बाकी हम गार्निशिंग पे इसको यूज़ करेंगे हरी मिर्ची और हरा धनिया को। तो मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें मिला दी हैं। अब जो है इसको हम ढककर रख देंगे दम पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार कलेजी बनी है। मैं आपको इसकी बोटी भी तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी बोटियाँ भी बहुत ही सॉफ्ट हैं, देखें ये देखें अच्छी तरह से कलेजी गल चुकी है, बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनी थी और इसकी बोटियाँ भी काफ़ी सॉफ्ट हैं देखें, तो बहुत ही अच्छी कलेजी बनी थी और बोटियाँ भी इसकी सख्त नहीं है, मज़ेदार सी है कलेजी बनी थी, बोटियाँ भी इसकी सॉफ्ट गल चुकी हैं अच्छी तरह से, गोश्त इसका गल चुका है कलेजी का। तो हमारी कलेजी तैयार है, आइए डिश आउट करते हैं। तो व्यूवर्स हमारी मज़ेदार सी कलेजी मटन कलेजी तैयार है, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये डिश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार डिशेस के साथ, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।